वित्त वर्ष 2019 की चौथी तिमाही में जीडीपी की विकास दर के 6% से भी नीचे होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह कृषि और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है। कृषि क्षेत्र की जीवीए विकास दर नेगेटिव में है तो मैन्युफैक्चरिंग की जीवीए विकास दर में 9% की गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2018-19 भारतीय जीडीपी के लिए अच्छा नहीं रहा। पूरे साल की जीडीपी विकास दर 6.8% रही, जो कि सरकारी अनुमान से नीचे थी। साल भर की चारों तिमाहियों में जीडीपी विकास दर एक के बाद एक गिरती चली गई और आखिरी तिमाही में ये सिर्फ 5.8% पर पहुंच गई। जीडीपी में इस गिरावट के पीछे तीन मुख्य क्षेत्रों कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन के विकास दर में तिमाही दर तिमाही आई गिरावट है। पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की जीवीय विकास दर 5.1% थी, जो दूसरी तिमाही में 4.9% रही, तीसरी में 2.8% और चौथी में नेगेटिव में जाती हुई -0.1% रही। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की जीवीय विकास दर में सबसे बड़ी गिरावट आई। पहली तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग की जीवीय विकास दर 12.1% थी, जो आखिरी तिमाही में सीधे 9% गिरते हुए सिर्फ 3.1% रह गई। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की जीवीए विकास दर में भी गिरावट आई है, जो 9.6% से घटकर 7.1% पर आ गई है। अलग अलग क्षेत्रों में आई इस गिरावट के कारण भारत की जीवीए विकास दर 5 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी है और भारत ने चीन से पिछड़ते हुए फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग भी खो दिया है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।